लखनऊ मवैया ओवरब्रिज पर व्यापारी से हुई 15 लाख की लूट का बड़ा खुलासा। डीसीपी पूर्वी हृदेश कुमार व एडीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास के आदेश पर काम कर रहे इंस्पेक्टर आलमबाग ब्रिजेश चंद तिवारी बड़ी कामयाबी मिली। आपको बता दें, हाल ही में लखनऊ आलमबाग क्षेत्र के मवैया ओवरब्रिज पर एक व्यापारी से 15 लाख लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा। वही एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही वह भी पकड़ा जाएगा। लूट की घटना में प्रयुक्त दो वाहन, एक पिस्टल व 5,20,000 रुपए इंस्पेक्टर आलमबाग ब्रिजेश चंद तिवारी की टीम ने बरामद किया है। इंस्पेक्टर आलमबाग ब्रिजेश चंद तिवारी लगातार अपराधियों व लुटेरों पर शिकंजा कस रहे हैं और उन्हें कामयाबी भी मिल रही है। युवा मीडिया संवाददाता राणा की स्पेशल रिपोर्ट। दिनांक 6/12/2022 को थाना आलमबाग के अंतर्गत एक व्यापारी से पैसे की लूट हो गई थी और उस घटना को जिन लोगों ने भी कारित किया था उनके धरपकड़ हेतु पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रीदेश और पुलिस अपर पुलिस उपायुक्त श्री अली द्वारा भी बहुत अथक प्रयास किया गया। दोनों सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम और पूर्वी और पश्चिम के क्राइम ब्रांच की टीम भी इस पर लगी और अथक प्रयास के बाद दो अभियुक्त जो प्रकाश में आए उनको आज दिना को सीएनडी क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम राजा मिश्रा उर्फ मनीष मिश्रा एवं उम्र करीब 24 वर्ष एवं विशाल पाल उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र मंजीत पाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक पूछताछ और तलाशी से इनके पास से 5,20,000 रुपये बरामद हुए हैं। अभी अन्य अभियुक्त तो जो प्रकाश में आए हैं उनके गिरफ्तारी के भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि